चैप्टर थ्री देख रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पोजीशन टाइम, इसमें एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है टी टाइम को। इसका ग्राफ देखेंगे मोशन के लिए क्या होगा। तो मोशन, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करें तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको तफसील से देखेंगे। और ये ग्राफ एक बहुत जबरदस्त टूल है ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके, दिखा सके, एनालाइज कर सके जो मोशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का। अलग अलग रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस कर सकते हैं हम। अगर मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, यानी कि एक्स एक्सिस, तो जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा टाइम के साथ, तो इसीलिए हम इसको एक्स टी कह रहे हैं, क्योंकि एक्स वेरीज विथ टी। तो जो स्लोप होगा इसमें डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, वो टैन थीटा होता है, एम कह सकते हैं इसको। ये आपको बताएगा एवरेज वेलोसिटी क्या है उस ऑब्जेक्ट की इस टाइम इंटरवल में, जहां पर जो थीटा आप बता रहे हैं ये एंगल होगा टाइम एक्सिस और लाइन के बीच। मैं इसको अभी समझाऊंगा आपको। एक्स टी ग्राफ अलग अलग मोशन के मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपने एक्स लिया हुआ है, ये आपने टी लिया हुआ है, ये एक्स है, ये टी है। अब जैसे एक्स वेरी करेगा यानी डिस्टेंस वेरी करेगा तो हम इस तरह पढ़ेंगे, और जैसे हम टाइम वेरी करेंगे हम ऐसे बढ़ेंगे, यानी कि क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस वेरी कर रहा है इसलिए हम इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। यहां पर आप देखिए कि x0 यानी डिस्टेंस एक ही है, टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी इसको सबको डिस्कस करेंगे कि ये अभी, जैसे अगर उस ग्राफ को ध्यान से देखा जाए तो अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब आप एक और चीज देखें कि t1 पे, मतलब किसी t टाइम पे, मान लीजिए 2 बजे वो यहां पर है, फिर वो 4 बजे यहां पहुंच गया इस डिस्टेंस पे, तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया, एक पॉइंट यहां मिल गया है। तो अब ये जो पॉइंट मिले इनको जोड़ दीजिए, ये जो एंगल है ये वाला, यानी दिस बाय दिस, टैन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, पी बाय बी। परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, यहां से देखिए x2 माइनस x1 यहां से यहां तक, और ये कितना हुआ t2 माइनस t1, तो x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1 इस तरीके से आता है। अब देखिए, ये भी तो हो सकता है कि जो डिस्टेंस है वो शुरुआत की ज्यादा हो और हम इस तरफ देख रहे हैं कि भाई हमारी तरफ आ रहा है कोई, हमारे हमसे दूर जा रहा है, तो ये हो गया हमारे पास आ रहा है, तो डिस्टेंस टाइम के साथ कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। इस केस में भी आप ये थीटा लेंगे, उसमें भी यही आएगा, ये वाला एक्स वन माइनस एक्स टू, और इस केस में टी टू माइनस टी वन, ऐसे अब निकालेंगे इसको। अब जो मोशन है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसकी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी सेम रहे, है ना, क्योंकि वो इस तरीके से भी तो मूवमेंट कर सकता है। तो सबसे पहला जो आपने ग्राफ देखा था उसमें आपने देखा था कि जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस की, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है। इसका स्लोप अगर निकालने की कोशिश करेंगे टेन थीटा, ये आपको मिलेगा जीरो, इसका स्लोप जीरो है, यानी कि वेलोसिटी इसकी जीरो है। अगर दूसरे केस की बात करें तो इस तरीके से कुछ था आपका, यहां पर हमने जब लाइन खींची थी तो मान लीजिए ये आपका एक्स टू है, ये एक्स वन है, ये आपका टी टू है, ये टी वन है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन ये वाला डिस्टेंस बाय टी टू माइनस टी वन ये वाला डिस्टेंस, ये आपका स्लोप हो जाएगा। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी भी बताता है ऑब्जेक्ट की, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर स्लोप नेगेटिव आता है तो आप मान लीजिएगा कि ये नेगेटिव एवरेज वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को शो करती है। यदि एक्स टी ग्राफ ये ऐसा कर्व है जैसे अभी आपने देखा इस तरीके से, वहां पर आप कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आपको नहीं मिल रही, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट पाथ में पेट्रोल पंप, टाइम 60 सेकंड इसको लगते हैं, और डिस्टेंस इसका है 120 मीटर इस डायरेक्शन में उसके घर से। वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, पेट्रोल भराता है, 120 सेकंड उसको लगते हैं, और अपने घर आ जाता है उसी पाथ से 90 सेकंड। 90 सेकंड के बाद वो ऑफिस के लिए तैयार होता है, वो ऑफिस स्ट्रेट लाइन में जाता है, डिस्टेंस उसका है 300 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में उसके हाउस से। वो 120 सेकंड लेता है अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। आपको इनका ग्राफ बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है मोटरसाइकिल का, और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है अलग अलग टाइम इंटरवल्स में। तो इन जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया इसको बहुत ध्यान से देखिएगा।
तो हो क्या रहा है, शुरुआत में यहां से यहां तक वो पहुंचे क्योंकि ये टाइम है, ये साइड सेकंड लिया, उसके बाद यहाँ यहां से लेकर ये यहां तक, क्योंकि ये एक इतना डिस्टेंस चले यहां से यहां तक है ना, 60 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस चल गया, तो आपने ये लाइन बना ली। उसके बाद यहां पर आके ये रुक गए क्योंकि ये पेट्रोल भरा रहे, फिर ये वापस गए, वापस अपने गए है ना। इतने अब इसमें इसमें जो समय लगा 60 का, लेकिन 180 या 240 को आप माइनस करेंगे तो आपको देखेंगे कि ये कितना कितना डिफरेंस आता है। लेकिन हमको थोड़ा सा इसके आगे बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 90 है, मैंने कहा कि 90 सेकंड में वापस आते हैं, इसलिए हमने इसको 90 सेकंड किया। फिर उसके बाद वो और थोड़ा सा तैयार वैयार होने में टाइम लगाते हैं, फिर इस जगह से वो अब अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं, या फिर ऐसे कहे कि क्योंकि हम इस तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मानते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने कहा कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अब इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव पे जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक ये इतना समय लेते हैं जो आपको इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये यहाँ तक पहुँचते हैं क्योंकि ये 300 इनका डिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से आप बताएंगे, तो टाइम इन्होंने जो लिया ओरिजिन से, आप इसको इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है, और वेस्ट डायरेक्शन में अगर ये जाते हैं तो मान लीजिए नेगेटिव। तो पोजिशन टाइम ग्राफ अभी आपने देखा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 120 माइनस जीरो इतना इन्होंने डिस्टेंस कवर किया, और 60 माइनस जीरो ये पहले वो ये रीजन की, यानी आप इस रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीजन की बात कर रहे हैं। तो इस रीजन को अगर देखा जाए तो इसमें एक्स टू माइनस एक्स वन 120 माइनस जीरो जीरो से शुरू हुए थे, जीरो सेकंड से शुरू हुआ था, 60 सेकंड लगाए इन्होंने, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 आएगा। अब हम स्टेशनरी पे हैं, स्टेशनरी पे तो कुछ नहीं है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जीरो है, मूव नहीं कर रहे वो। अब नीचे वाला इस डायरेक्शन को देखिएगा, ये हमने ये दोनों कवर कर लिए, इस डायरेक्शन में देखिए कि अब ये यहाँ पर क्या कितना आ गया, डिस्टेंस जीरो पे आ गए, 120 से शुरू किया था इन्होंने, तो एक्स टू माइनस एक्स वन करते हैं, जीरो माइनस 120 करेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे जो डिस्टेंस था या फिर टाइम जो था डिस्टेंस के हिसाब से, यहाँ पर ये 180 करीब था, ये 270 था, 270 माइनस 180 किया तो आपका जो भी वैल्यू आई माइनस 120 से डिवाइड किया, माइनस में आ रही है वैल्यू, माइनस 1.33 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो आपका माइनस 1.33 आया, ये वाला एक बीसी रीजन के लिए आया, लेकिन अगर आप सीडी रीजन पे जाएं तो यहाँ पर मोटरसाइकिल अभी भी रेस्ट पे है क्योंकि वो घर में तैयार हो गए, तो वेलोसिटी इनकी जीरो हो गई। डी रीजन पे जाएं जो आपने आखिर वाला रीजन देखा था, क्योंकि अब ये फिर से यहाँ से शुरू हो रहे हैं, और आप देखें कि ये किस तरीके से यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, ये वाला मैं पोजिशन बता रहा हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो मूवमेंट इन्होंने किया उसको देखा जाए और उनके वैल्यूज को लिया जाए, क्योंकि हमने कहा कि भाई चलिए ईस्ट को हम पॉजिटिव मान लेंगे, वेस्ट को नेगेटिव मान लेंगे, तो यहाँ से माइनस 300 माइनस जीरो, क्योंकि जीरो से शुरुआत की थी, माइनस 300 माइनस जीरो, और यहाँ 480 माइनस 360 यानी कि माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड आए। तो प्लस जैसे मैंने बताया कि इंडिकेट करता है कि एवरेज वेलोसिटी मोटरसाइकिल की ईस्ट डायरेक्शन में है, नेगेटिव केवल ये बता रहा है कि इसकी जगह वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब जब हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो बहुत सारे टाइम इंटरवल होते हैं, बहुत तेज भी जा रहे होते हैं, कभी कभी स्लो भी जा रहे होते हैं, लेकिन ये हमको एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड बताती है, लेकिन कितना फास्ट ये जा रहे हैं अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम में उस पूरे टाइम इंटरवल में, ये कहीं हमको नहीं समझ में आ रहा। मान लीजिए एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक डिमेंशन में, उसकी पोजीशन एक्स है, और वो एक्स से थोड़ा और आगे बढ़ता है डेल्टा एक्स, बहुत छोटा डेल्टा एक्स है, और टाइम टी में, एट टाइम टी, तो यहाँ पर वो टी पे है और डेल्टा एक्स वो मूव कर जाता है, मान लीजिए टी प्लस डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी में इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डेल्टा एक्स है। तो हम एवरेज वेलोसिटी इस पार्टिकल की निकाल सकते हैं, टाइम इंटरवल डेल्टा टी है इस इक्वेशन का। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है अलग अलग इंस्टेंट्स पे, यानी इस पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट पे बताइए, हर एक पॉइंट पे निकालना चाहें, थ्योरेटिकली अगर आप देखें इनफाइनाइट पॉइंट होंगे एक टाइम में, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम होंगे, तो इस टाइम इंटरवल के बीच में जो वेलोसिटी है पार्टिकल की ये बढ़ भी रही होगी, हो सकता है ये कम भी हो रही होगी, लेकिन जो छोटा है, बहुत छोटा 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 इंटरवल अगर आप कर लें जब वो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, तो हम आपको और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसी पॉइंट पे उसकी क्या वेलोसिटी रही, क्या वो इंक्रीज हो रही थी, क्या वो डिक्रीज हो रही थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक कार स्टार्ट होती है रेस्ट से, टी इक्वल टू जीरो है, वो मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी है कार की इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, जो बंदा बैठा हुआ है कार में
वो रीडिंग लेता है स्पीडोमीटर पे एवरी सेकंड, हर एक सेकंड पे, और उसको नोट करता है जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी नोट करता है। स्पीडोमीटर बताता है कार का क्या स्पीड है, कार की क्या स्पीड है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट जिस पे वो नोट कर रहा है। लेकिन कार केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो स्पीड और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी की, वो सेम है। यानी कि रीडिंग जो स्पीडोमीटर की है वो किलोमीटर पर आवर में देखते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि चलिए कार के हम मीटर पर सेकंड में नाप रहे हैं, और वो जो भाई साहब ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उनका ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से है कि शुरुआत में जीरो है, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से जीरो है, रीडिंग स्पीडोमीटर पे आपकी जीरो है, और जैसे ही वो आगे बढ़े एक पे उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट हमारा 1.5 हो गया, स्पीडोमीटर की 3 हो गई। ऐसे एक एक करते करते उन्होंने यहाँ पर अलग अलग रीडिंग ली। अगर हमको पता करना है कि वेलोसिटी जब टी इक्वल टू 3 है तो अगर इस जगह करना पड़ेगा तो हमको डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, हमारे पास टाइम भी, टाइम ये स्पीडोमीटर की रीडिंग भी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कार का हमारे पास है और डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे हो रहा है ये भी हमारे पास है। अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास डेल्टा टी जो है 3 सेकंड, मान लीजिए आप 3 सेकंड लेना चाहते हैं, टी आपका 3 सेकंड है और टी प्लस डेल्टा टी यानी कि आपने 3 सेकंड से शुरुआत की, डेल्टा टी यानी कि और उसके 3 सेकंड बाद क्या होगा, तो इस 3 ये 3 है और डेल्टा टी भी आप 3 कह रहे हैं तो 3 + 3 आपका 6 होगा। अब इस टाइम इंटरवल में इसकी डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया पहला 3 सेकंड में और 6 सेकंड में उसका डिस्टेंस उसका डिफरेंस निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो 3 सेकंड पे था और आगे बढ़ गया 3 सेकंड और, तो डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड में क्या होगा, टाइम तो हमारे पास है ही 6 - 3, तो यहाँ पर ये 54 है, यहाँ पर 13.5 है, यहाँ पर 54 है या 13.5 है, यानी टी इक्वल टू 3 ये हो गया और टी इक्वल टू 6 ये हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई ये करेंगे 3, तो आपका 13.5 आ गया। लेकिन हम टेबल पे देख रहे हैं कि टी इक्वल टू 3 जो टी इक्वल टू 3 सेकंड पे जो रीडिंग है स्पीडोमीटर की वो 9 मीटर पर सेकंड है। टी इक्वल टू 3 यहाँ पर स्पीड क्या है 9 मीटर पर सेकंड, और आपको क्या मिल रही है, आपने देखा कुछ इस तरीके से मिल रही है। तो इसके कैलकुलेशन में एक टाइम इंटरवल जो टी इक्वल टू 3 सेकंड है जो वैल्यू है एवरेज वेलोसिटी की, ये वो ट्रू वैल्यू से बहुत डिफर कर रही है, अलग हो रही है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम इंटरवल और कम करते हैं, अब वैल्यू एवरेज वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। तो 24 अपना हमने 1 सेकंड बढ़ाया यानी कि 3 था तो 4 सेकंड वाला ले लिया, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब टी इक्वल टू 3 ये लिया 13.5, टी इक्वल टू 4 हमने 24 लिया, और फिर इनका इनका डिफरेंस निकाला, और जो डिफरेंस है वो केवल 1 सेकंड का है, यानी कि आपने 24 माइनस 13.5 और 4 माइनस 5 फिर से 1 सेकंड, तो कितना आ गया 10.5 मीटर पर सेकंड। तो जो कार मूव कर रही है इस पोजीशन के हिसाब से x इक्वल टू 1.5 t² ut प्लस हाफ a t² यू अगर 0 लेते है ना, तो ये आपका एक्सेलरेशन, ये आपकी ut प्लस हाफ a t² या फिर ut प्लस x इक्वल टू 1.5 t² इस तरीके से अगर माने, तो हम ये देखें कि x अगर 13.5 है तो x कितना हो जाएगा, अगर t इक्वल टू 3 पे इतना है तो 3.1 पे कितना होगा, अब इस टाइम को रखते चलिए क्योंकि आपके पास एक वैल्यू तो आ ही गई है। तो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल की, अगर डेल्टा टी 0.1 सेकंड, देखिए 6 से हम 3 सेकंड से शुरू किया, हमने कहा 3 सेकंड जोड़िए, फिर हमें लगा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो 3 सेकंड से हम केवल 4 सेकंड में गए, यानी कि 1 सेकंड का डिफरेंस लिया। अब हम और उसको कम कर देते हैं, 0.1 सेकंड कर देते, 0.1 सेकंड कर देते हैं, यानी कि अब हम इस जो हमारा आया है 3 पे और हमारा जो आया है 3.1 पे दोनों का डिफरेंस ले, 3.1 माइनस 3 करें तो 9.15 आया। अब देखिए और डिक्रीज कर दीजिए इसको, क्यों ना इस 0.1 को और 0.05 कर दिया जाए, तो आप देखेंगे जब 0.05 करेंगे तो और बढ़िया और करीब जो 9 आ रहा था आपका, ये जो 9 आ रहा था अब ये 9.05 के करीब आ रहा है, 9.07 के करीब आ रहा है, तो ये 9 के बड़ा करीब हो गया। तो जितना आप डिक्रीज कर रहे हैं टाइम इंटरवल, जो डिफरेंस है कैलकुलेटेड वैल्यू में और जो ट्रू वैल्यू आप देख रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है। अब एक सवाल इसमें आता है कि कितना हम छोटा ये टाइम ले, है ना, आप पहले आपने कहा 3 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर और 0.1 पे आ गया, फिर 0.05 पे भी आ गया, तो आप ये देखेंगे कि जो सिंबल है इनफाइनाइटेड सिमली यानी कि इनफाइनाइटेड सिमली स्मॉल बहुत छोटा जो जीरो के करीब हो, लेकिन जीरो ना, आप समझ रहे हैं, इनफाइनाइट जो वैल्यू है इतना छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल हो,
लेकिन जीरो ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा टी जीरो से को अप्रोच कर रहा है लेकिन जीरो नहीं। तो इस सर्कमस्टेंसेस में दो इंस्टेंसेस अगर आप ले टी और डी प्लस डेल्टा टी, इसको हम एक तरीके से सेम ही मान सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी बहुत जीरो हो। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कंप्यूट करेंगे, उसको हम कहेंगे इस जगह पे जो एवरेज वेलोसिटी आएगी उसको हम कहेंगे कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंप्यूट करें। आप समझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हुई, और इसको हम मैथमेटिकली अगर शो करना चाहें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी टाइम पे होता है, वेलोसिटी ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी तो हम करते चले आ रहे हैं, और लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू टेंड्स टू जीरो लगाए, डेल्टा टी इतना छोटा है जो जीरो के करीब है लेकिन जीरो नहीं है, तो इसको हम डी एक्स बाय डी टी कर सकते हैं। डी एक्स बाय डी टी डिफ्रेंशिएशन वगैरह आप पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो इसका मैं डिस्कशन अलग से करूंगा, लेकिन डी एक्स बाय डी टी ये डेरिवेटिव है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद टाइम, क्या जगह की क्या तब्दीली हो रही है टाइम के हिसाब से। और डी एक्स बाय डी टी ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर डॉट लगा दीजिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्स टी ग्राफ से कैसे निकालेंगे, अब अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो हम इस पहले इलस्ट्रेशन समझिए और उसको उसका प्लॉट देखिए। सबसे पहले समझिए कि हम यहाँ पर हमारे पास टाइम यहाँ पर है, ये एक्स है, यहाँ पर ये डिस्टेंस है मीटर में, यहाँ पर बस टाइम है। अब यहाँ पर हम जब एक्स टी ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारे मान लीजिए इस तरीके से कुछ कर्व बन रहा है, तो कर्व क्या कर्व बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बहुत छोटा सा एक यहाँ से यहाँ तक टाइम लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस लीजिए और उसके बीच में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी निकालिए, ये कर सकते हैं। लेकिन अब चलिए एक काम करते हैं कि अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है टी इक्वल टू थ्री सेकेंड है, अब इसके लिए दो पॉइंट हम पी एन क्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, पी मान लीजिए टी प्लस टी इक्वल टू थ्री करते हैं और टी प्लस डेल्टा टी यानी कि तीन सेकंड और जोड़ देते हैं और इस लाइन को स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हम पी क्यू बना देते हैं। तो हमने ये जो पी क्यू लाइन बनाई है ये वाली पी और क्यू, ये हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक बना दी, ओके तीन से छः सेकंड तक। अब जब हमने ये लाइन बना दी तो एवरेज वेलोसिटी अब देखिए छः माइनस तीन, क्योंकि टाइम इंटरवल आपके पास तीन सेकंड का है, हम तीन सेकंड के हिसाब से लेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल अगर तीन इक्वल टू थ्री लें और टी प्लस डेल्टा टी पाँच लें, यानी हम इस डेल्टा टी को तीन सेकंड ले रहे थे, अब हम पाँच सेकंड ले सकते हैं। डेल्टा टी अब यहाँ पर कितना हो गया, दो, दो मतलब तीन प्लस दो, तो डेल्टा टी छोटा सा लिया दो सेकंड, इसको हम अगेन पी क्यू डैश से निकाल सकते हैं, उसी डायग्राम में पी क्यू डैश है। अगर हम इस डेल्टा टी को छोटा करते रहे तो जो लाइन है पी पी से पास हो रही है, जो लीन कर रही है टेंजेंट के टेंजेंट की तरह, जो कर्व है आपका पी का, तो आप लिमिट लगा सकते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इतना छोटा डिस्टेंस हो गया कि आप इसको जीरो कर सकते हैं जो टेंजेंट से कोइंसाइड करेगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये आपका कर्व है, आप एक बार ये ले सकते हैं एक बार ये ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे आप इसको टेंजेंट की तरह मूव करेंगे, बिल्कुल टेंजेंट, ये टेंजेंट जा रही है, इसको टच कर रही है, इस कर्व को टच करने वाली टेंजेंट होती है, ये जो टेंजेंट है ना ये एक जगह पर टच कर रही है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं टेंजेंट भी टच करती है, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई आप बहुत छोटा टाइम मेरे डेटा टी टेंड्स टू जीरो है क्योंकि वो ट्रेल टच कर रही है। तो जहाँ पर ये चीज़ हो जाए वहाँ पर आप कहेंगे कि हम इंस्टेंटेनियस या डी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी लाइन हो सकती है एक एक पॉइंट से, अगर आप पी से पॉइंट पास करवाएं, लेकिन जब टेंजेंट होगी वो आपकी यूनिक होगी। अगर आप कहें कि मैं इन दोनों पॉइंट्स से पास कर रहा हूँ, मैं इधर से पास कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम टेंजेंट की बात करें तो वो केवल एक ही लाइन होगी। तो जो स्लोप होगी टेंजेंट की, यानी कि जो टेन थीटा है या एम है, वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता देगा उस कार का टी इक्वल टू थ्री सेकेंड। आप ये देखिएगा कि जो यूनिफॉर्म मोशन है एक्स टी ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वो बिल्कुल सिमिलर है जो वैल्यू एवरेज वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर बात करें या केवल स्पीड की बात करें, अब हम देखिए पहले हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करते थे, अब जैसे ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पे आए तो हमने इंस्टेंटेनियस शब्द हटा दिया, अब हम जब स्पीड की बात करते हैं केवल स्पीड शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की, है ना, जैसे अगर मान लीजिए वेलोसिटी आप 0.05 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी आपकी -5.0 मीटर पर सेकंड है, दोनों की स्पीड क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होता है, लेकिन जैसे ही आप स्पीड की बात करेंगे तो इन दोनों को मॉड कर देंगे आप, दोनों ही जो वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकंड होगी। जो स्पीडोमीटर है कार का, ये आपको बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी समय पे, किसी इंस्टेंट पे। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि एवरेज स्पीड किसी फाइनाइट इंटरवल, किसी एक टाइम इंटरवल पे वो ज़्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड मतलब उसका मॉड्यूलस, साइन हटाना है आपको।
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी टाइम टी पे वो किसके बराबर होता है, वो बराबर है मैग्नीट्यूड जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उस इंस्टेंट पे। जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की एक डिमेंशन में मूव कर रही है उसको हमने फॉर्मूला बताया भाई 4.2 टी स्क्वायर प्लस 2.6 है, ये फॉर्मूले के हिसाब से मूव कर रही है। आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना है, टाइम इंटरवल आपको दिया है 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। लेकिन इंस्टेंटेनियस आपको वेलोसिटी निकालना है टी इक्वल टू 3 सेकंड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है आपको। तो हमारे पास क्या, अब देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान रखिएगा एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, एन सामने आ जाता है, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है। तो हमारे पास एक्स टी हमको दिया हुआ है, हम क्या करेंगे टी इक्वल टू 0 पे निकालेंगे क्या वैल्यू है इसकी, 0 पे देखिए क्या है, टी की जगह इसकी जगह 0 रख दीजिए बस, तो 2.6 आएगा। अब ये इसकी जगह इस टी की जगह आप 3 रख दीजिए, तो एक्स इक्वल टू 3 पे आपका क्या आ रहा है, ये 3 स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, 40.4 आएगा। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी आपकी, एवरेज वेलोसिटी देखिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी एक्स 3 पे जो था और एक्स 0 पे था उसका डिफरेंस, और 3 माइनस 0 क्योंकि टाइम इंटरवल 0 और 3 ले रहे हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.6। ये आपकी आपकी एवरेज वैल्यू आ गई। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो पोजीशन इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी डी बाई डी डी टी ऑफ द इक्वेशन। तो वेलोसिटी में हम जानते हैं dx बाई डी टी होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी dx बाई डी टी, और x किससे दिया गया है 4.2 टी स्क्वायर प्लस 2.6। जैसे क्या होगा, क्योंकि इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा, प्लस के बाद इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है, टी स्क्वायर है टी स्क्वायर, तो 2 टी की पावर टी माइनस 2 माइनस, तो 2t आएगा यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, लेकिन आप टी इक्वल टू 3 पे निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टी 3 रख दीजिए इस जगह पे, तो आपका आएगा 8.4 इंटू 3 यानी कि 25.2 मीटर पर सेकंड आएगा। एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की किसी ऑब्जेक्ट की ये सेम है अलग अलग टाइम इंटरवल पे, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहेंगे कि जैसे आपने एक्सेलेटर दबाया, अपनी गाड़ी का एक्सेलेटर दबाया तो तेज भागती है, एक्सेलेटर छोड़ा तो गाड़ी थोड़ा सा स्लो होती है, रुकने लगती है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, किस हिसाब से वेलोसिटी का रेट चेंज हो रहा है, और क्योंकि टाइम रेट है, वेलोसिटी किस हिसाब से टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है t1 और t2 पे v1 और v2 वेलोसिटी, तो चेंज वेलोसिटी का क्या होगा किसी इंटरवल डेल्टा टी पे, t2 माइनस t1 जो टाइम है उसके हिसाब से v2 माइनस v1 होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यानी v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डेल्टा v बाय डेल्टा टी। अब जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये वेक्टर, जैसे वेलोसिटी आपकी क्वांटिटी क्या है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डायरेक्शन है उसका बिल्कुल वही सेम होगा जो वेलोसिटी का होगा, मतलब यानी कि डेल्टा वी का। जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या चेंज हो रहा है वेलोसिटी में किसी टाइम पे। अगर हम लिमिट लगा लें डेल्टा टी टेंस टू 0, जैसे हमने लगाई थी जब हम वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो हमको जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड मिली थी, वैसे हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा टाइम के हिसाब से। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस शब्द हटा देते हैं, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन किसी टाइम टी पर ए लिमिट टेंड्स टू टी टू 0 करेंगे, और डेल्टा वी बाई डेल्टा डी यानी कि आप डी वी बाई डी टी करेंगे। यह वेलोसिटी का सीधा मतलब हो गया डी एक्स बाई डी टी, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया इसका भी डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी टी ऑफ डी ऑफ वी, और वी अपने आप में डी एक्स बाई डी टी है, यानी कि डी बाई डी टी आप किसका करना चाहते हैं, डी एक्स बाई डी टी का, क्योंकि वी ऑलरेडी डी एक्स बाई डी टी है, यानी आप डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर करना चाहते हैं। तो आपने किया क्या, ये डी टू एक्स बाई डी टी, इसको एक्स के ऊपर 2 डॉट लगा दीजिए, ये आपको बताएगा एक्सेलरेशन। या ये कहते हैं कि सेकेंड डेरेवेटिव पोजिशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कुछ नहीं, वेलोसिटी का अगर हम डबल डिफरेंशिएशन, मतलब वेलोसिटी का सिंगल डिफरेंशिएशन करें, या एक्स का डिस्टेंस का डबल डिफरेंशिएशन करें, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। यदि डीवी बाई डी टी पॉजिटिव आता है तो एक्सेलरेशन कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग। यदि डीवी बाई डी टी नेगेटिव आता है तो एक्सेलरेशन है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, इसका सीधा मतलब है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर अपोजिट साइन है दोनों की तो
तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए साहब स्पीड जो है कम हो रही है। जब स्पीड इंक्रीज होती है तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट डीएक्सेलरेट हो रहा है। जो डायरेक्शन है डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का, डीएक्सेलरेशन उल्टा शब्द है एक्सेलरेशन से, रिटार्डेशन भी वो शब्द है, वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी, यानी कि इस तरीके से अगर गाड़ी जा रही है तो एक्सेलरेशन लगाएंगे या जो डीएक्सेलरेशन होगा वो इसको रोक रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का मान लीजिए 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अगर ईस्ट में, तो वही अगर डीएक्सेलरेशन का होगा तो प्लस की जगह आप ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स वेस्ट बोल सकते हैं या टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि ये एक्सेलरेशन लगता है ताकि चीज़ें स्लो हों। इसको और समझते हैं, पोजीशन है पार्टिकल की जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो आपको एक्स इक्वल टू 2-5t प्लस टी स्क्वायर टी क्यूब के हिसाब से बता रहा है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बहुत आसान चीज़ है, आप क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर दो बार डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। आप जानते हैं d2x/dt2 यही आपका एक्सेलरेशन होता है। तो एक्स आपको दिया गया है, एक बार जरा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ये आएगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 60 आएगा। अब आप जानते हैं कि टी इक्वल टू 2 सेकंड में निकालना है, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड याद रखिए 6 × 2 = 12 होता है, 12 m/s² आ जाएगा। एक मूविंग पार्टिकल है उसका रिलेशन टाइम पोजिशन के हिसाब से ये दिया हुआ है t = ax² + bx, जो a और b इसमें कॉन्स्टेंट है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है इस पार्टिकल का एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना है। तो टाइम आपका ax² + bx है, आपको ये पता है कि dt/dx क्या होगा, dt/dx का मतलब होता है इसको केवल x² और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x² का हो जाएगा 2x, x चला जाएगा क्योंकि x^1 मतलब nx^1, x^1 - 1 यानी कि x^0, तो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आएगा। अब dt/dx आपने कर दिया, dt/dx क्या होता है, ये तो वेलोसिटी होती है ना, यही तो वेलोसिटी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि dx/dt, अब इसको क्योंकि ये x इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में x दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, तो आप क्या करेंगे, dt/dx तो निकला है, आप dx/dt कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा करने का मतलब इसकी पावर -1 आ जाएगी और ये dt/dx dx/dt हो जाएगा, यानी कि ये 2ax + b की पावर हम इन्वर्स दे रहे हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt को हम लिख सकते हैं dv/dx × dx/dt, dx कैंसिल हो जाएगा, ये dv/dt आएगा, क्योंकि हमारे पास dx/dt ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, अब dv/dx निकालना है। dv/dx का मतलब ये है कि आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो करिएगा तो आपके पास ये आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी -2a v³ क्यों है, क्योंकि हमने इस वेलोसिटी की जगह इसको रखा है, तो जहाँ जहाँ ये आएगा उस जगह वेलोसिटी रख दीजिए, एक्सेलरेशन इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। तो ये एक और इंस्टॉलमेंट हुआ इस डिस्कशन का, अभी एक आध हम और लेंगे। तो शुक्रिया, मेहरबानी आपकी तब तक।